बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के ये कोर कोर्सेज में शुमार होता है और बाकी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या और ये वेयर इट स्टैंड्स इन फैक्ट इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, और चूँकि हमारे पास सभी क्लास ऑनलाइन हो रही है तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही हो गया आप लोगों का इंट्रोडक्शन, बाकी जब इंशाल्लाह ताला आपको यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस कोर्स के लिए जो रिकमेंडेड मटेरियल है, देखो असल तो ये है स्लाइड्स, मेरी स्लाइड्स के अंदर वो सब कुछ होगा जिसकी आपको कंटेंट समझने में ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेरी स्लाइड्स बड़ी डिटेल्ड होती हैं लेकिन मैं जिस बुक को एज अ रेफरेंस एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ करता हूँ आप उनको एज अ टेक्स्ट बुक एज वेल एज अ रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि दोनों अलग चीज़ें होती हैं लेकिन इट्स अ वेरी कंप्लीट बुक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी बाई कोहन। ठीक है, और बहुत बेहतरीन किताब है, आपको बिल्कुल ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि वाई इनफैक्ट वी स्टडी आर्ट। अच्छा, तो बच्चों अभी आपको थोड़ा ग्रेडिंग स्कीम के बारे में बता दूँ। देखो अभी चूँकि बहुत ज़्यादा फाइनल हमें कुछ पता नहीं चला कि मिड टर्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम सपोज़ ये समझते हैं कि मिड टर्म होगा तो हमारी स्कीम ये होगी कि हमारी अच्छा मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि असाइनमेंट क्विजेस के साथ साथ क्लास टास्क भी होते हैं। और क्लास टास्क क्या होते हैं कि क्लास में किसी टॉपिक को करते जो है ना कवर करते वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जिसको मैं ऑन टाइम आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो असल में इसकी बेहतरीन सूरत तो एक पॉपअप क्विज की तरह हो जाएगी अगर हमारी क्लासेस जो हैं फिज़िकल हुई। लेकिन चूँकि अगर कुछ क्लासेस फिज़िकल हुई भी तो इस दफ़ा सुनने में यही आ रहा है कि हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड मोड में एक कुछ बच्चे तो अपने घरों में बैठे होंगे उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसके लिए हम करेंगे ये कि ये क्लास टास्क भी एक तरह से मिनी असाइनमेंट से मिनी क्विजेस की तरह होंगी। ये जो आपको तीन क्विजेस नज़र आ रहे हैं, सॉरी 5 से 10 क्विजेस स्क्रीन के ऊपर, ये हो सकता है 50-50 मिनट के हों क्विज हों। ठीक है, और असाइनमेंट्स के अंदर भी हो सकता है क्वेश्चन एक से ज़्यादा हों, लेकिन क्लास टास्क अमूमन एक क्वेश्चन के जो है ना पर मुश्तमिल होगी और वो आप जो है ना 5 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। तो आप इसको मिनी क्विज या मिनी असाइनमेंट के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर ऑनलाइन गया और हम चूँकि प्री रिकॉर्डेड मोड पे चल रहे हैं तो ये जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी लेक्चर वीडियोस के अंदर ही, और अगर इस तरह से हुआ कि अच्छा इसके लेक्चर वीडियोस के साथ साथ हम इसको जो है अलग से अनाउंस भी करेंगे। ठीक है, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अनाउंस हो जाएगा ये। ठीक है, LMS के ऊपर इसकी अलग से अनाउंसमेंट शायद ना हो। हाँ, जितने भी असाइनमेंट्स होंगी या क्विजेज़ होंगे इसके अलावा उन सब की असाइन जो है प्रॉपर जो है LMS के ऊपर भी अनाउंसमेंट होगी और व्हाट्सएप के ऊपर भी अनाउंसमेंट होगी और लेक्चर के अंदर भी उनके बारे में बता दिया जाएगा। क्लास टास्क के बारे में भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उनको LMS के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ LMS के ऊपर भी उसको जो है वो मैं रखूँ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एक आपकी जो है प्रेजेंटेशन होगी या कोई मिनी प्रोजेक्ट होगा और क्लास पार्टिसिपेशन के आपके 5 मार्क्स होंगे। अब ये क्लास पार्टिसिपेशन है क्या, इससे पहले कि आप लोग मुझसे जो है इस बारे में सवालात की भरमार करना शुरू करें मैं खुद ही इसकी वजाहत कर देता हूँ कि बेटा क्लास पार्टिसिपेशन से मुराद ये है कि सिर्फ ये एटीट्यूड देखना कि अगले बंदे में कुछ लर्न करने का ज़ौक है कि नहीं है, बस इस चीज़ को देखना। तो वो किस तरीके से पता चलता है, अगर तो फिज़िकल क्लास है तो वो ज़ाहरी बात है उसका अंदाज़ा हो रहा होता है, और अगर क्लास फिज़िकल नहीं है ऑनलाइन है आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहना होगा। और उसका मतलब ये नहीं कि आपको सिली क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी जो है ना डिस्कशन वहाँ पे शुरू करें जिसका जवाब ज़रूरी नहीं कि मैं दूँ। ठीक है, ये बात एक दफ़ा फिर मैं लेक्चर के एंड में भी करूँगा, आप वहाँ अपनी क्यूरीज को पोस्ट जो है पोस्ट करें, एक दूसरे की क्यूरीज को आंसर करें, एक अच्छी डिस्कशन की फ़ा बनाएं, तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ये मार्क्स उन्हीं के लिए होंगे। और जो बच्चे बिल्कुल स्वयं होंगे या सिर्फ एक्नॉलेज के मैसेज कर रहे होंगे जी यस सर सीन, तो वो इन जो है मार्क्स से महरूम रह जाएंगे। तो बेहतर ये कि आप लोग सारे जो हैं इसको अपने ग्रुप को एक्टिव रखिएगा और अच्छे क्वेश्चन वहाँ पूछिएगा भी और एक दूसरे की हेल्प भी कीजिएगा ताकि पता चले कि अगले बंदे के अंदर कुछ सीखने का जज्बा मौजूद है। ठीक है, अच्छा अगर हमारा मिड टर्म ना हुआ तो हमारे पास एक
दूसरी स्कीम भी तैयार है कि हम उसके मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्लास टास्क में, असाइनमेंट में और क्विजेज में। अच्छा, ये चीज़ अभी से जहन में रखिएगा कि अगर किसी का क्विज रह जाता है, कोई असाइनमेंट रह जाती है, कोई क्लास टास्क रह जाती है, ठीक है, और उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है इनको छोड़ने की और ना ही उसने वक्त के ऊपर इन्फॉर्म किया था, तो वो किसी भी तरीके से कंपनसेट नहीं की जाएगी। तो मैं पेश की आप लोगों से इस मामले में जो है वो माजरत कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट भी ना कीजिएगा, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, अगर कोई बहुत जेन्युइन केस हो और वक्त पे उसकी इंटीमेशन भी हुई हो तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको हम देख लेंगे कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए, ठीक है। और बाकी आपको पता है फाइनल टर्म वो जिस अंदाज से होता है वो तो वैसे ही होता है। तो मेरे ख्याल में इस मामले में जितनी आपकी क्यूज थी मैंने कोशिश की है कि मैं उनको सॉल्व कर दूं। बाकी फिर भी आप लोगों का कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका तो यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप पूछें, और वो ग्रुप के ऊपर पूछने में फ़ायदा यह है कि दूसरों का भला हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके जहन में या कोई क्वेरी आपकी है, कोई पूछना चाह रहा है, कोई नहीं पूछना चाह रहा, या कोई थोड़ा सा जो है ना शर्मा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो ये कि एक के पूछने से अगलों को बाकियों को फ़ायदा हो जाता है। ये तो आम क्यूरीज की बात कर रहा हूँ। और अगर लर्निंग के हवाले से आप कुछ पूछना चाह रहे हो कि कोई क्वेश्चन जो है वो समझ ना हो या कोई टॉपिक जो है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो बजाय ये कि मैं अगले लेक्चर के अंदर पूरे का पूरा टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ, जिसको जिस पॉइंट में इशू है वहाँ वो मेंशन कर दे अच्छे अंदाज से, और उसको आपस में आप डिस्कशन से जो है उसको क्लैरिफाई कर लें, फिर मैं उसको पूरी तरह से कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। अगर उसमें मैं समझूंगा कि मेरी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है और आखिर में एक ऐसी राय देना बेहतर है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कोई जो आपस में आप लोग कर सके, तो यह कि मैं इंशाल्लाह ताला उसमें खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब यह है कि ये वेयर डज इट स्टैंड, तो ऑटोमेटा थ्योरी हम पढ़ते क्यों हैं और इसको पढ़ने से पहले हमें किन किन कोर्सेज का जानना और पढ़ना ज़रूरी है, और इन इसकी बेस पे हम मज़ीद आगे कौन से जो हैं कोर्सेज जो है उनको स्टडी कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो याद रखिएगा, ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर हम कंप्यूटर्स के मैथमेटिकल मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और चूंकि मैथमेटिकल मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो मैथ्स ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमें डिस्क्रीट मैथ्स एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को पढ़ना ये ज़रूरी है इस कोर्स से पहले, क्योंकि इसके अंदर सारी सेट सी की बात ही हो रही है। तो सेट थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, वो सारी की सारी जो आपने पहले पढ़ी है तो वो उसका बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर प्रूफ थ्योरी पढ़ी है, हाउ टू प्रूफ समथिंग, ठीक है, मुख्तलिफ मैथड से, कंट्रडिक्शन से और जो भी मैथड से, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रूफ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ जितने भी थे, वो सब के सब यहाँ पे आपके काम आएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ऑटोमेटा थ्योरी की के लिए हमारी मैथ्स की बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस हद तक नहीं, लेकिन मेन जो चीज़ है दैट इज़ इनफैक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या डिस्क्रीट मैथ्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसी की बेस पे अगले आपके कोर्सेज सारे इस पे रिलाई कर रहे हैं, ऑटोमेटा थ्योरी के ऊपर। आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इसी के ऊपर रिलाई कर रहा है, आपका कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इसी के ऊपर कर रहा है रिलाई, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कर रही है रिलाई, आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके ऊपर कर रही है रिलाई, तो ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर रिलाई कर रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द कोर कोर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन ही देना है कि ये आप इस टाइटल को आप समझें, ठीक है। हमारे कोर्स का टाइटल है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, तो आपको ये समझ हो कि ये ऑटोमेटा क्या चीज़ होती है, उसकी थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, लैंग्वेजेस क्या होती हैं और फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और उनको यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली मिल जाती है तो समझे आपका आज के लेक्चर का मकसद पूरा हो गया, कि आपको ये समझ आ गई कि अच्छा हम करने क्या जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमने बात की कि हम मैथमेटिकल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, लेकिन याद रखिएगा कंप्यूटर के सिर्फ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स, ठीक है, जो उसकी लिमिटेशन बता सकेंगे, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, बस इंजीनियरिंग डिटेल्स इसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जी कंप्यूटर्स मैथमेटिशियंस ने बनाया, तो इनफैक्ट मैथमेटिशियंस ही ने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, हाँ उसको इम्प्लीमेंट करना फिर इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का
इन लोगों का काम था कि वो उसको सर्किट्स के फॉर्म में या जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसके फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट, नॉट कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स बनाते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो करते हैं, ठीक है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर लॉजिक या DLD ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो भी कंप्यूटर्स के मॉडल्स के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन दैट आर नॉट मैथमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, दैट इज इनफैक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मॉडल्स, ठीक है। जो मॉडल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं या स्टडी किए रहते हैं उसी की इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके अंदर कंप्यूटर के रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शन सेट्स इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को आप पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ेंगे, उन सब के अंदर भी कंप्यूटर के मॉडल्स डिस्कस होते हैं, कंप्यूटर की थ्योरी डिस्कस होती है, कंप्यूटेबिलिटी को भी किसी हद तक डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में और उस कोर्सेज में एक दो बड़े बुनियादी फ़र्क हैं, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। पहला फ़र्क ये कि ये जितने भी कोर्सेज के मैंने नाम गिनवाए बच्चों, ये उन कंप्यूटर्स के ऊपर हम इनको स्टडी करते हैं जो पहले से बन चुके हैं, बस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी सिस्टम का डिस्कस हो रहा है जो पहले से बन चुका है, ठीक है। जो सिस्टम इन एग्जिस्टेंस हैं सिर्फ उनको हम स्टडी कर सकते हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जाहिर है वो जो है ना कंक्रीट चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं दैट वर्क ऑन दोज कंप्यूटर दैट डू एग्जिस्ट, दैट विल एग्जिस्ट एंड दैट कैन एवर बी ड्रीम्ड ऑफ, तो हमारी डोमेन बहुत बड़ी है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन लेवल की नहीं है बच्चों, ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल की है, ठीक है। दूसरा फ़र्क बड़ा उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा कंप्यूटेशनल थ्योरी के हवाले से, वो क्या है कि वहाँ ऑप्टिमिलिटी को डिस्कस किया जाता है, भाई इस काम करने के ये दो तीन मेथड्स हैं तो इसमें ज़्यादा ऑप्टिमल क्या होगा, एल्गोरिथम्स उसका एनालिसिस उसमें देखना, टाइम वाइज स्पेस वाइज या और भी चीज़ें जिस तरह आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा कि स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं, कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमल है, किस वक्त कौन सा ज़्यादा काम करता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। हमारे यहाँ ऑटोमेटा के अंदर जो हम मॉडल एल्गोरिथम बनाते हैं दैट आर कंसर्न विद द पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग और नॉट, वी आर नॉट कंसर्न विद ऑप्टिमिलिटी, भाई ये चीज़ हो सकती है कि नहीं पहले ये बताओ, इसकी कंप्यूटर की लिमिट्स में है कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रक्शन, भाई ये काम क्या किसी भी कंप्यूटर की लिमिट में है, कर सकता है कि नहीं, भाई अगर वो करेगा तो ज़्यादा ऑप्टिमल तरीका कौन सा होगा, वो दैट इज़ बियॉन्ड, वो बात की बात है, ठीक है। तो वी आर नॉट कंसर्न विद ऑप्टिमिलिटी इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, वी आर जस्ट कंसर्न विद द पॉसिबिलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ही का असल में एक टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। और इस बुक की अगर आप उसलूब देखेंगे कोहेन की बुक का, तो आप देखेंगे कि बड़ी बेस से शुरू करता है आपको बताना कि बिल्कुल बुनियादी मॉडल क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में वर्ड एक्सेप्ट कैसे होता है, लैंग्वेज की टाइप्स क्या हैं, और मशीन्स को मैच्योर करता 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 एट द एंड 31st चैप्टर के अंदर बताएगा कि ओ अब हम आपको बता सकते हैं कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, कंप्यूटर का असल में वो सारे मॉडल्स पढ़ने के बाद मैच्योर होने के बाद ये चीज़ कंप्यूटर होती है, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली कंप्यूटर इज, इट्स नॉट ईजी। हमें तो ये 20वीं 21वीं सदी के अंदर कंप्यूटर मिला है मार्केट्स में, ठीक है, हमें नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत थी, कंप्यूटर बनाने के पीछे मैथमेटिशियंस ने कितना काम किया और कंप्यूटर की ओरिजिन क्या है, कंप्यूटर का इनफैक्ट उसके पीछे कौन सा मैथमेटिकल मॉडल काम कर रहा है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। तो वैसे मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं जो स्लाइड पे आपको दिख रही हैं, तो रिपीट कर देता हूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स आर टू इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट्स इन ऑटोमेटा थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, नंबर वन। नंबर टू, आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेज क्लासेस एंड देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस, और फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और उनकी क्लासेस क्या हैं, यानी वो मुख्तलिफ सेट्स हैं लैंग्वेजेस के और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, उन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि वी विल डिज़ाइन ग्रामर्स एंड और रिकॉग्नाइजर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है।
ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बात की थी हमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की जो है वो प्रूफ थ्योरी भी काम आएगी, तो वी विल प्रूव और डिसप्रूव थ्योरम्स इन ऑटोमेटा थ्योरी यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। ये जब अपनी जगह पे आएंगी चीज़ें तो आपको चीज़ें ज़्यादा वाजे होती जाएंगी। अभी दूसरा आपको ये देखना है कि इसकी डोमेन और इसका स्कोप क्या है, ये काम क्या करेगा, ठीक है। और एट द एंड वी विल डिटरमिन द डिसाइडेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, कि ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या कोई कंप्यूटर कभी सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ये स्टूडेंट्स के दिल में ख्याल आता है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त में वो सारी चीज़ें आपके ऊपर वाजे नहीं होंगी जो आप पे इस कोर्स को पढ़ने के बाद या आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद कुछ चीज़ें वाजे होती हैं। जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को किसी काम से मना किया जाए तो उनके जहन में उस काम के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इस हद तक नहीं होते, बल्कि अच्छाइयाँ ही समझ रहे होते हैं, उस काम की बुराइयाँ उनके जहन में नहीं होती। मिसाल के तौर पे बच्चे जब बड़ों को देखते हैं कि वो उनकी वालदा किचन में नाइफ से काम कर रही हैं, ठीक है, सब्जियां काट रही हैं या कोई भी ऐसा काम है, तो उनका भी दिल करता है कि दे परफॉर्म द सेम, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे जो हैं कॉपियर्स होते हैं, ठीक है, बच्चों से अच्छी कॉपी कोई नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को वो अच्छा समझ रहे होते हैं और अपने तहीं वो बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं, लेकिन वालदैन उनको इस चीज़ से रोकते हैं। क्यों? बच्चों को उसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं है, अभी उंगली कट सकती है, उनके हाथ में इतनी परफेक्शन नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हमें वक्त के साथ होता है, तो एक ख़ास वक्त तक जब हमारा माइंड खुलता नहीं है तो हमें उस चीज़ की हकीकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है, ठीक है। इस वजह से एक सर्वे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, सर्वे ऑफ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स, ठीक है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने 5 साल ग्रेजुएट होने के बाद काम किया इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, उनसे पूछा गया जी आपने 5 साल इंडस्ट्री के अंदर काम कर लिया है, ये बताएं आपने अपनी स्टडी के दौरान कंप्यूटर साइंस की जो कोर्सेज पढ़े, कंप्यूटर साइंस की या इंजीनियरिंग की जो भी है, तो आप ये बताएं आपकी जॉब में सबसे ज़्यादा काम कौन सा आया। तो कहते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट तो जो वही थे जो हमारे प्रोग्रामिंग कोर्सेज थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऑटोमेटा थ्योरी जो है ये इसकी रैंकिंग भी बड़ी हाई रही दूसरे कोर्सेज की बनिस्बत, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 3 गुना ज़्यादा वोट मिले इसे, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में उनको भी अंदाज़ा ना होता यार वाई हम कंप्यूटर की बेस पढ़ रहे हों, कंप्यूटर के मैथमेटिकल मॉडल पढ़ रहे हों, अब तो हमारे पास चीज़ें सारी हैं तो वाई स्टडी इट्स बेस, हमें ये ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के मैथमेटिकल मॉडल की, कंप्यूटर की जो बेस थी उसकी हासिल हो जाए तो इससे हमें प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो चीज़ें बाज़ दफ़ा समझ बच्चों को नहीं आ रही होती, ख़ासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं आप जैसे, तो उसके लिए आप लोग अगर मेरी पूरी तकरीर से मुत्तफिक ना भी हों तो इस सर्वे को एज अ क्राइटेरिया ले सकते हैं कि हाँ ठीक है ऐसी कोई चीज़ होती है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोर्स के दरमियान भी आपके ऊपर खुल रही होंगी, अच्छा ये इसकी इंपॉर्टेंस ये थी, ये तो अच्छा हो गया हमें ये चीज़ पता चल गई, नहीं तो हमें कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता ना चलता है, गो कि हम प्रोग्रामिंग के कोर्सेज भी करके आ गए और हम अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर 3 पोर्शंस में बुक को डिवाइड किया गया और उसमें कई कई मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक टॉपिक तो उसमें यह है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, दूसरा यह है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, तीसरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं, और फिर एट द एंड उन्होंने जो है ट्यूरिंग मशीन्स को डिस्कस किया। और भी टॉपिक्स हैं लेकिन मैं फिलहाल इनको सिर्फ बड़ा लिमिटेड बता रहा हूँ। अब ये टॉपिक्स हमारी आगे काम कहाँ पर आएंगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी, ठीक है, अगर हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाती है, हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से इस कोर्स के अंदर पढ़ लेते हैं तो अगले सेमेस्टर्स के अंदर और हमारी इंडस्ट्रियल या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम काम कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें बना रहे होंगे, तो उस वक्त में हमारी चीज़ें कहाँ पे काम आएंगी। आप आगे चल के पढ़ेंगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र आपके बिल्कुल जैसे आप फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और इसी तरह डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस के अंदर और लेक्सिकल एनालाइजर्स के अंदर ही रेगुलर एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हो रही हैं। अभी तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सर्चिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस का ऑप्शन बकायदा देती हैं, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन मेक इट ईजी फॉर सर्च, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
और आपने इन इरेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल भी किया होगा अपनी सर्चिंग के दौरान, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि स्टार डॉट डी ओ सी, आपने सर्च करनी है सारे एम एस वर्ड की फाइल्स, तो आप क्या लिखते हैं सर्च में, स्टार डॉट डी ओ सी या स्टार डॉट डी ओ सी एक्स। तो दैट इज़ इन फैक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अ टाइप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन से, ठीक है ना। एक बिल्कुल हमें इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, तो इसी अब सर्चिंग के अंदर स्टार मीन्स एनी अदर कम्बिनेशन, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ आर यू कैन से रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह की एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए आपकी सर्चिंग आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, ये कंप्लीट नहीं था, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो आप पढ़ेंगे। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के अंदर ही सिंटैक्स एनालाइजर या पार्सर होता है, तो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट विदाउट स्टडिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, ठीक है। और एट द एंड ट्यूरिंग मशीन जो आपको बताएंगे कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर है ये असल में इसका मॉडल है ट्यूरिंग मशीन का या पोस्ट मशीन का, ठीक है। और ट्यूरिंग मशीन की जाहिर बात है कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो जब उसकी लिमिटेशन है तो इसका मतलब वो आज के मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की भी लिमिटेशन है। क्यों? इनका मैथमेटिकल मॉडल वही है जो ट्यूरिंग का मॉडल है, ठीक है। इस वजह से हमें ये पता चल सकता है इन ट्यूरिंग मशीन को स्टडी करके कि हमारे मॉडर्न सिस्टम्स की भी लिमिटेशन क्या है, इल्ला ये कि कोई नया मैथमेटिकल मॉडल ऐसा प्रपोज हो जाए, ठीक है। ये मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि जिसके ज़रिए हम इन लिमिटेशंस को सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए जाहिर बात है एक छोटा टॉपिक नहीं है, पूरे पूरे कोर्सेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब ये तो होगी बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इस चीज़ की तरफ कि हम अपने टॉपिक को समझें कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो इसमें ऑटोमेटा आपको समझना ज़रूरी है, फॉर्मल और लैंग्वेज ये चीज़ क्या होती है, तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे। देखो, हमने पहले बात कर चुके हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड ऑटोमेटा, ठीक है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज, इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑटोमेटा एंड ऑटोमेटा इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। कौन सी एब्स्ट्रैक्ट मशीन? दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। द वर्ड ऑटोमेटा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स सेल्फ एक्टिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मशीन्स को स्टडी करने को हम कहेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये ऑटोमेटिक मशीन्स क्या होंगी आप लोग खुद कंस्ट्रक्ट करोगे इंशाल्लाह ताला कुछ लेक्चर्स के बाद, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी मैथमेटिकल मॉडल्स या मैथमेटिकल मशीन्स की बात इनफैक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें अपने वक्त के साथ साथ कुछ वाजे हो जाती हैं। अच्छा, अब आगे ठीक है, इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। देखो, जब भी हम इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, हालांकि ये मैं आपको मैं चीज़ ज़ुबानी बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि इस स्लाइड के ऊपर भी मैंने लिखा है तो चीज़ों को थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ ताकि जिनके जहन में नहीं भी आई पहली दफ़ा बात अब आ जाए उनके जहन में बात। तो हम जब भी इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन करते हैं तो वो सिंपल नहीं होता, हमें लग रहा होता है भाई वी जस्ट गेव इनपुट एंड वी रिसीव द आउटपुट, ठीक है। लेकिन ऐसा सिंपल नहीं है, क्यों? हम जो भी इनपुट दे रहे हैं जिस फॉर्म में भी दे रहे हैं वो कन्वर्ट होता है जीरोज एंड वन में, ठीक है। और कंप्यूटर जो भी आउटपुट जनरेट कर रहा है दैट इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, फिर वो कन्वर्ट होता है हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। लेकिन ये जो इनपुट जीरोज एंड वंस और आउटपुट जीरोज एंड वंस के दरमियान जो कन्वर्जन हो रही है, दिस इन्वॉल्व सम इंटरनल ऑपरेशंस एज द डायग्राम शोज, और वो सारी बात है कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बेस पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरनल मॉडल है जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी की भी कोई बेस होती है। वो जो बेस है, जिस बेस पे ये इम्प्लीमेंट किया गया, जिस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज इनफैक्ट ऑटोमेटा, दैट इज इनफैक्ट अ मशीन, ठीक है। दैट इज इनफैक्ट एन ऑटोमेटिक और सेल्फ एक्टिंग मशीन जिसको हम कहेंगे, ठीक है। और ये हम पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये मशीन जैसे हम तीन चार लेक्चर्स के बाद या पांच लेक्चर्स के बाद खुद से बनाना शुरू करेंगे, वे भी कुछ लेक्चर एक दो में इसमें ज़्यादा लग जाए क्योंकि हमें लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले साथ साथ में करना है, स्टडी करना है मशीन्स यानी फाइनाइट ऑटोमेटा यानी मशीन्स बनाने से पहले, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशा अल्लाह आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी इंशा अल्लाह। अब लैंग्वेज क्या है? देखें, बड़ा आसान सा सवाल है और बड़ा आसान सा इसका जवाब है, भाई लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट, बस वो कुछ भी हो सकता है। लैंग्वेज वर्बल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द पीपल दैट कैन नॉट स्पीक इवन दे कैन कम्युनिकेट बाय लैंग्वेज,
दैट्स अ लैंग्वेज ऑफ जेस्चर्स, ठीक है। तो ये होता है, आप किसी भी दो ऐसे बंदों को एक जगह पे भेज दें बनाने के अंदर जिनको एक दूसरे की लैंग्वेज ना आती हो। मिसाल के तौर पे एक जो है मैं हूँ, मुझे मिसाल के तौर पे पंजाबी लैंग्वेज आती है, पश्तो आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, अरबिक आती है, लेकिन मुझे चाइनीज़ नहीं आती है। और एक ऐसा चाइनीज़ मेरे साथ हो बेचारा जिस गरीब को मेरी लैंग्वेज में से कुछ नहीं आता, तो अब हमें कम्युनिकेट तो करना है और बोलने की सलाहियत हमारे अंदर है, तो रफ्ता रफ्ता एक लैंग्वेज खुद से इवॉल्व हो जाएगी जो शायद इन चार पांच लैंग्वेजेस का मिक्सचर हो। तो लैंग्वेज के बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, चाहे वो लैंग्वेज वर्बल हो या इशारों की लैंग्वेज हो, जेस्चर्स की लैंग्वेज हो, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच टू पर्सन्स कम्युनिकेट, ठीक है। अब लैंग्वेजेस में दो बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एज ह्यूमन वी कैन अंडरस्टैंड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। हमारे पास, हमें पता है, हम बहुत से अल्फाज ऐसे बोलते हैं इंग्लिश के, उर्दू के, जो फॉर्मल नहीं होते लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इनफॉर्मल होती हैं और हम उनको भी समझ जाते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल हम दोनों तरह के अपने स्लैंग्स, दोनों तरह के बातें समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं, क्यों? कंप्यूटर इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन इज, ठीक है। बल्कि कंप्यूटर तो बेसिकली इंटेलिजेंट है ही नहीं, उसमें तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएट की जाती है, तो इट इज़ इन फैक्ट नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। कंप्यूटर की मिसाल एक ऐसे मुलाजिम किसी है जो कि बहुत एफिशिएंट है, आपसे बहुत एफिशिएंट है, इंटेलिजेंट नहीं है, आप जो बोलोगे वही करेगा, खुद से उसको समझ नहीं आ रहा, इल्ला ये कि आप उसको लर्न करवा दो, ठीक है। जैसा कि होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो आप उसको लर्न करवाते हो, मुख्तलिफ सिनेरियोज उसमें इनपुट इतना कर देते हो कि उसको चीज़ें समझ में आना थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, बट दैट इन फैक्ट इज़ नॉट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को तो जी समझ आती है सिर्फ जीरो एंड वन, कंपाइलर का काम क्या है, ये सेंटेंस चेक करे उस, अगर वो सही है हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को जीरो एंड वन में कन्वर्ट करे, बस ये काम है जी, और कोई काम नहीं है कंपाइलर का। अब कंप्यूटर चूंकि सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज समझता है, इनफॉर्मल नहीं समझता है, तो इसका मतलब हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे कंप्यूटर के लिए ताकि वो हमारी कम्युनिकेशन को समझ सके। तो फॉर ईच लैंग्वेज दैट देर इज़ अ ग्रामर दैट डिस्क्राइब्स द फॉर्मल रूल्स टू कंस्ट्रक्ट दैट लैंग्वेज, तो हर लैंग्वेज के अंदर होता है ये, ठीक है। ये हमारे पास इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, किसी भी हर लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो कि कोई भी लैंग्वेज है, उसके अंदर रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए उस लैंग्वेज के वर्ड्स को, उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर फॉर्मल रूल्स के अलावा इनफॉर्मल चीज़ें भी चल रही होती हैं, क्योंकि सिमेंटिक्स समझ में आ रहे होते हैं, मीनिंग समझ में आ रहा होता है, चाहे जुमला गलत भी बोला हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर इनफॉर्मल कुछ नहीं है, फॉर्मल है। आपने सी की लैंग्वेज के प्रोग्राम की किसी स्टेटमेंट के अंदर अगर सेमी कॉलन नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। हम इंग्लिश में बगैर फुल स्टॉप लगाए, बगैर कामा लगाए कुछ भी लिखे हमें समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर का ये सिंटैक्स एरर, अभी सेमी कॉलन नहीं लगाया, बिकॉज कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, ठीक है। ये बात है। तो दीज रूल्स एंड ग्रामर एंड द प्रोसेस to convert these grammar and languages to machine format, and these are the main objective of theory of automata and formal languages. चलें, आपको ये समझ में आ गई हमने यहाँ पे काम क्या करना है। हमने languages को study करना है और languages के words को देखना है कि वो किसी वो ठीक हैं कि नहीं, उनके syntax को देखना है वो सही तरतीब से हैं कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसी की बेस पे हमने computer के mathematical models बनाने हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी अब तक। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हम आगे की बात करते हैं ना, हमें ये तो समझ में आ गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। आपने लिखा वाइल, तो वाइल सी लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ ही ईट्स एन एप्पल, तो एप्पल जो है ही है, ईट्स है, ये किस, ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। या हमने अगर कोई कमांड दी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी इन या सी आउट या कोई भी दी है कमांड दी है, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बोला है, तो दैट इज़ वैलिड इन दिस लैंग्वेज आर नॉट,
तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ मैटर ऑफ गेस्ट वर्क, इट नीड्स सम एक्सप्लिसिटली स्टेटेड रूल्स. ठीक है, रूल्स चाहिए, रूल के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या स्पोकन इंग्लिश के रूल्स को स्टेट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है. देखिए, मैं फॉर्मल या रिटन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उसमें भी एक बात चलेगी, लेकिन क्या स्पोकन इंग्लिश के रूल्स को लिखा जा सकता है? नो, बिकॉज इट इज हार्ड टू स्टेट द रूल ऑफ स्पोकन. इस चीज को समझिए पहले, एक बैकग्राउंड आप लोगों का मैं बिल्ड कर दूं. देखो, कोई भी लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज, वो पहले बोली जाती है, इवॉल्व होती है, फिर उसको 100-200 साल गुजरते हैं तो लोग उस लैंग्वेज की अहमियत को समझते हुए उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, उसकी ग्रामर बिल्ड करते हैं. ऐसा नहीं होता कि ग्रामर पहले बिल्ट हो और फिर लोग उसके मुताबिक लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. तो चूंकि लोग पहले लैंग्वेज को बोलना शुरू करते हैं तो जाहिर बात है वो किसी खास रूल्स की से बोलना शुरू नहीं करते, रूल्स तो बाद में इन्फर किए जाते हैं. तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ रूल भी होती है, जैसे आप इंग्लिश के अंदर देखते हैं. ठीक है भाई, लिंक की सेकंड फॉर्म लिंक्ड है तो गो की वेंट की हुए, वाई नॉट गोड, GOED, क्योंकि इंग्लिश मैन ने बोला इसको ऐसे है, तो उन्होंने चूंकि बोला ऐसे है तो डेट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, वी कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, तो ये रूल नहीं है. ठीक है, तो रूल्स, ये तो एक चीज थी, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं. ठीक है, उसकी वजह यह है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस आर नॉट डिवेलप्ड, दे आर इवॉल्व्ड इन अ नेचुरल एंड ग्रेजुअल वे. ठीक है, और ये प्रोसेस अब भी जारी है. ठीक है, आज की उर्दू आज से 100 साल पहले की उर्दू से बिल्कुल चेंज है. ठीक है, तो ये हर लैंग्वेज के अंदर ऐसा है. और जो उर्दू यहाँ पे बोली जाती है, हर 40 किलोमीटर बाद एक नई लैंग्वेज असल में वजूद में आती है, जो इसी लैंग्वेज का एक नया वर्जन होती है. जो उर्दू यहाँ बोली जा रही है, ज़रूरी नहीं हैदराबाद में भी वही बोली जा रही हो, लाहौर में भी वही बोली जा रही हो, और इस तरह इंडिया के तमाम प्रोविंसेस में ही वही उर्दू बोली जा रही है, तो चेंज होती है. ठीक, तो स्लैंग्स एंड लैंग्वेज चेंज बाय टाइम, बाय रीजन, बाय सोसाइटी, बाय एनवायरनमेंट. तो आप किस किस रूल को लिखेंगे, आप नहीं लिख सकते हो भाई. ठीक है, तो खुलासा ये, हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज है, एक फॉर्मल, दूसरी इनफॉर्मल. और कंप्यूटर सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेजेस को समझता है. ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेजेस वो हैं सिंटैक्टिक लैंग्वेज, जिसके अंदर बड़ा हार्ड एंड फास्ट सिंटैक्स होते हैं. भाई इसके मुताबिक है, थोड़ी एक समीकरण भी मिस किया तो जाओ भाई, बिल्कुल गलत हो गया आपका काम. और दूसरी होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज, कि सेंटेंस गलत हो भी जाए लेकिन सिमेंटिक्स डिलीवर हो गए हैं, मीनिंग डिलीवर हो गया तो बात समझ में आ रही, भाई लफ्ज़ गलत सही बोला क्या हो गया. ठीक है, अब आपको बता दें कुछ लैंग्वेज की बेसिक्स. देखो, कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम A to Z. ठीक है, और उन अल्फ़ाबेट्स का एक मीनिंगफुल कम्बिनेशन कहलाता है वर्ड, और वर्ड्स का मीनिंगफुल कम्बिनेशन कहलाता है सेंटेंसेस. तो बिल्कुल कंप्यूटर की फॉर्मल लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है. तो देर इज एन अल्फ़ाबेट सेट और द करेक्टर सेट्स, जिसके अंदर वो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सारे वो करेक्टर होते हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो सकते हैं. तो दैट इज़ इन फैक्ट अ सेट, और सेट हमारे पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में से एक बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन कहलाता है स्ट्रिंग. याद रखिए, मैंने इधर वर्ड्स लिखे लेकिन मैं जानबूझ के स्ट्रिंग बोल रहा हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग कहलाता है. स्ट्रिंग्स कैन बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस. ऐसे स्ट्रिंग्स जो मीनिंगफुल होते हैं उनको हम थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, अब ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो गया हूँ मैं. ठीक है, तो वर्ड्स हमारे पास अल्फाबेट सेट का वो पॉसिबल कम्बिनेशन होगा दैट इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इट मीन दैट इज मीनिंगफुल. अदरवाइज एनी अदर कम्बिनेशन और इंक्लूडिंग द मीनिंगफुल कम्बिनेशन आर नोन एज स्ट्रिंग्स. इसी तरह वर्ड्स का मीनिंगफुल कम्बिनेशन हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम कहते हैं कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो अल्फ़ाबेट क्या है अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में? अब देखें, हम ये सारी सेट थ्योरी चलेगी और आगे चल के ग्राफ थ्योरीज के साथ इंक्लूड हो जाएगी, मैंने आपको कहा था पहले. ठीक है, तो
अल्फाबेट इज इन फैक्ट अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स और लेटर्स, ठीक है, इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल ग्रीक लेटर्स, ठीक है, वो सिग्मा हो, लैम्डा हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अमूमन बुक्स के अंदर इसको कैपिटल सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो हम भी उसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, इट्स नॉट अ रूल, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज द फंडामेंटल यूनिट आउट ऑफ विच वी बिल्ड स्ट्रक्चर्स, आउट ऑफ विच वी कैन बिल्ड वर्ड्स, ठीक है. मिसाल के तौर पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट सेट क्या है, फ्रॉम ए बी सी डी अप टू जी, स्मॉल बी और कैपिटल बी. तो एक और लैंग्वेज हो सकती है जिसके अंदर सिर्फ दो ही अल्फाबेट्स हैं, सपोज ए बी और सपोज आई जे के और सपोज 01. और ये वाला सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमारा कंप्यूटर काम ही इसी सेट के ऊपर करता है, 01 के ऊपर, ठीक है. स्ट्रिंग क्या होता है, एनी फाइनाइट कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द अल्फाबेट सेट. मिसाल के तौर पे एक अल्फाबेट सेट है ए बी, उसके अंदर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सिर्फ ए ए बी ए बी ए ए बी बी और इस तरह, ये एक बहुत बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग कहलाएंगे. इन स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड्स होंगे और वर्ड्स वो स्ट्रिंग्स होते हैं जो उस लैंग्वेज का पार्ट होते हैं. जैसे आपके पास इंग्लिश का अल्फाबेट सेट फ्रॉम ए टू जी है और आप उसमें से एक वर्ड बनाते हो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी इट इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, तो इसको हम स्ट्रिंग कह सकेंगे लेकिन वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है. तो स्ट्रिंग होता है कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन करेक्टर्स का, और वर्ड्स होता है ऐसा कॉम्बिनेशन करेक्टर्स का दैट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. तो होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग का, जिस तरह, क्योंकि हमने पहले बात की हम सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिस तरह सेट सेट एम्प्टी हो सकता है तो स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो सकता है, ठीक है. तो समटाइम अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग और द नल स्ट्रिंग. इसको हम फिर, क्योंकि कुछ लिखना ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि कहीं भी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जब कोई अल्फाबेट ही नहीं है उसके अंदर. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लैम्डा सिंबल के ज़रिए इसको डिनोट करते हैं. और ये याद रखिएगा, हर बुक लैम्डा सिंबल को इस्तेमाल नहीं करती, कुछ बुक्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं एप्सिलॉन सिंबल. तो अगर आप किसी बुक के अंदर लैम्डा के बजाय एप्सिलॉन सिंबल को देख लीजिए तो परेशान नहीं होना, इट्स जस्ट द सेम, ठीक है. अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हमने इंग्लिश से शुरू किया था, तो हमने कहा था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ्रॉम ए टू जी, तो हमने कहा जी ठीक है, हम इसके अंदर अपर केस लेटर्स भी डाल देते हैं, हम कॉमास भी डाल देते हैं, पीरियड भी डाल देते हैं, अपोस्ट्रॉफी डाल देते हैं, हाइपन, अंडरस्कोर, जो हम कर सकते हैं ताकि हमारे पास कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड ना हो जो बिल्ड होने से रह जाए, और हम चाहें तो फोनेटिक सिंबल जो हैं, जो डायक्रिटिकल मार्क्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको भी इंक्लूड कर देते हैं ताकि हमारा अल्फ़ाबेट सेट जो है ना कम्प्लीट हो जाए. अब इस अल्फाबेट सेट से हम हर पॉसिबल वर्ड इंग्लिश का जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो इसका एक और सेट होगा, ठीक है. तो हम जैसे हमने पहले बात की कि हम अल्फाबेट सेट से बनाते हैं कौन सा सेट, लैंग्वेज के वर्ड्स का सेट, और लैंग्वेज के वर्ड्स के सेट से हम एक और बड़ा बनाते हैं सेट जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज के सेंटेंसेस का सेट. तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, हमारे पास अगर हम अल्फाबेट सेट को कंप्लीट कर लें, मैच्योर कर लें कि जी अल्फ़ाबेट सेट हमारे पास ए टू जी स्मॉल कैपिटल सारे जो है वो पंक्चुएशन मार्क सब कुछ है, तो ठीक है, अब हम क्या इससे इंग्लिश के सब वर्ड्स बना सकते हैं. हमने कहा जी ठीक है, बिल्कुल, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे हम बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स फाइनाइट हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हमें किसी भी स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स उसके अंदर नहीं होंगे, लेकिन सपोज हम इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, तो सारे के सारे वर्ड्स आप एक सेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो. और वो सारे के सारे वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे भाई, किसी भी स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से. फाइनाइट है ना, 2 करोड़ हो सकते हैं, 5 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन है तो फाइनाइट, तो ये काम हो सकता है जी. वर्ड्स की पहचान हो सकती है हमें, अगर हमें कोई वर्ड दे दिया जाए और कहा जाए कि पहचाने कि इंग्लिश का वर्ड है कि नहीं, तो आप इन 2 करोड़ 3 करोड़ एंट्रीज में से सीक्वेंशियल सर्च के ज़रिए इनको मैच करके मालूम कर सकते हैं कि ये वर्ड इंग्लिश का था कि नहीं, ठीक है. अभी भी क्योंकि सेट फाइनाइट था तो काम तो हो जाएगा, अब ट्यूमिनिटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे.
अब हम कहते हैं ठीक है जी, अल्फ़ाबेट सेट में चोर हो गया, ठीक है, उसकी बेस पे हमने सारे वर्ड्स का सेट बना लिया, ठीक है जी, अब हम वर्ड्स भी पहचान सकते हैं, अब हम सिंगल अल्फ़ाबेट्स को भी पहचान सकते हैं कि इंग्लिश के हैं कि नहीं, लेकिन क्या कंप्लीट सेंटेंस वैलिड इंग्लिश सेंटेंस है कि नहीं? हमने कहा जिस तरह हमने पहले किया था इस तरह दोबारा हम कर देंगे। वो जो डिक्शनरी के अंदर एंट्रीज थी वो सारी की सारी प्लस ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स प्लस अ ब्लैंक स्पेस, इसका हम एक नया बनाते हैं करेक्टर सेट, लेट नेम इट अल्फा बीटा गैमा वट एवर इट इज़, और इसकी बेस पे हम एक नया सेट बनाते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस जो इस ऊपर वाले सेट से ही बनेगा, जिसके अंदर सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन ये बताएं ऐसी रिपोजिटरी कहाँ मिलेगी भाई? वर्ड्स की रिपोजिटरी तो मिल गई, डिक्शनरी से सारे वर्ड उठा लिए, हो गया जी काम, लेकिन ऐसी रिपोजिटरी क्या इस दुनिया में है कि जिसके अंदर इंग्लिश के सारे वैलिड करेक्ट ग्रामेटिकली और फॉर्मली करेक्ट सेंटेंसेस लिस्ट हों? यू हैव टू एनलिस्ट एवरी पॉसिबल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज देर इज नो सच रिपोजिटरी, दीज आर इनफाइनाइट। वर्ड्स फाइनाइट हो सकते हैं लैंग्वेज के, उसके जुमले इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, सिर्फ एक जुमला आई रीड वन बुक, इसको अगर आप बढ़ाना शुरू करें सिर्फ गिनती से ही, आई टू बुक्स, थ्री बुक्स, फोर बुक्स, फाइव बुक्स, तो ये एक ही जुमले से इनफाइनाइट जुमले बन सकते हैं, और हमारे पास तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट टू एनलिस्ट ऑल। तो अगर हम एनलिस्ट नहीं कर सकते, और हमारी अप्रोच ये थी मैचिंग वाली अप्रोच, कि जी अगर हमने ये चेक करना है कोई करेक्टर सेट इस लैंग्वेज में है कि नहीं, हम मैच कर लेते थे पूरे सेट के साथ बिकॉज सेट वॉज फाइनाइट, ठीक है। हमने कहा कि जी अगर हम वर्ड्स को चेक करना चाहें कि जी कोई वर्ड एज एन इनपुट कंप्यूटर को मिला या हमारी मशीन को मिला और उसने ये चेक करना है कि ये वर्ड इस लैंग्वेज का है कि नहीं, ठीक है, इस फॉर्मल लैंग्वेज का ये वर्ड है कि नहीं, तो हम वर्ड की रिपोजिटरी से सर्च कर रहेंगे भाई, 2 करोड़ 4 करोड़ सर्चेस के बाद हमें आंसर मिल जाए, मिल तो जाएगा ना, लेकिन वर्ड्स सेंटेंसेस का क्या करेंगे? इनफिनिट सेंटेंसेस हैं, ऐसी कोई रिपोजिटरी ही नहीं है कि आप मैच कर सको, तो ये स्कीम तो फेल हो जाएगी हमारी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमें ग्रामर चाहिए। ग्रामर में क्या होगा? वर्ड फॉर्मेशन के रूल्स होंगे। तो वर्ड हमने पहचान लिए हैं, वर्ड्स फाइनाइट थे, ठीक है, तो उनको अगर इस ग्रामर के कम्बिनेशन के अंदर मिलाया जाएगा तो वो एक वैलिड जुमला हो सकता है इंग्लिश का। ये हम काम कर सकते हैं क्योंकि ये रूल्स ग्रामर के ये फाइनाइट रूल्स होंगे, ठीक है, ये इन्फिनिट रूल्स नहीं होंगे। तो हमारे पास 8, 10, 15, 20 या 100, 200 रूल्स होंगे और हम उनके मुताबिक किसी भी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद वो वर्ड्स इस स्ट्रक्चर के ऊपर हैं जो ये ग्रामर कह रही है, अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर हैं तो जी वो एक वैलिड ग्रामेटिकल वर्ड सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है। सपोज हमने एक ग्रामर बनाएगा जिस सेंटेंस वो होगा जिसमें पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए और फिर ऑब्जेक्ट आए, इफ़ एनी, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है वो भी हमने डिफाइन कर दिया, वर्ब क्या हो सकते हैं वो भी हमने कर दिया डिफाइन, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी हमने कर दिया डिफाइन, सारे नाउंस की लिस्ट दे दी, सारी वर्ब्स की इसको लिस्ट दे दी, हर चीज़ इसको दे दी, अब कोई भी जुमला होगा ये उसको बता सकेगा। लेकिन एक और इशू आ जाएगा, सेंटेक्स वाइज फॉर्मली तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा लेकिन सिमेंटिकली इनकोरेक्ट होगा। इट विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आई एट मंडेज, हाउ कैन आई एट, आई एट मंडेज, आई एट ट्यूजडेज, आई एट द सन, तो सिमेंटिकली दीज आर इनकोरेक्ट, इनका मीनिंग नहीं बनता, फनी मीनिंग है, कोई सेंस नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, इट इज इनफैक्ट अ लॉजिकल एरर यू कैन से, ठीक है। इफ यू राइट सम इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट इट इज सिमेंटिकली इनकोरेक्ट, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू ए माइनस बी आपको एरर नहीं मिलेगा बिकॉज सी लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर हम मीनिंग्स को कंसिडर नहीं कर रहे होते, सेंटेक्स वाइज दुरुस्त होना चाहिए। क्यों? कंप्यूटर को अभी हम इतना ट्रेन नहीं कर पाए हैं
कि कंप्यूटर गलत मीनिंग को भी आइडेंटिफाई कर पाए कम्प्लीटली। हाँ, कुछ हद तक तो इसमें काम हुआ है, बल्कि बहुत हद तक हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली अभी तक हम उसको कंप्यूटर को इतना ट्रेन नहीं कर पाए। तो हम तो वैसे भी बड़ी बुनियाद से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली की बात ही नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, मशीन लर्निंग की, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, जैसे मैंने आपको ये मिसाल तो आपको दे दी है, ठीक है ना। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा बच्चों कम्प्लीट हुआ, ठीक है। तो ये देखिएगा कि अगर इसमें कोई छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हों जो आपको मुश्किल लगी हों। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ रहेगी कि डिक्शंस आर आल्सो इग्नोर्ड। मिसाल के तौर पे वर यू इन क्लास, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं पूछ रहा हूँ, भाई आप क्लास में थे, ठीक है, मुझे नहीं पता आप क्लास में थे कि नहीं, तो मैं पूछना चाह रहा था, मुझे पता चले आप कल की क्लास में थे या नहीं, इस तरह की बात। लेकिन हमारे लहजों से मीनिंग बदल जाते हैं, जैसे आप वाकई क्लास के अंदर फिजिकली बैठे हैं और आप कहीं खोए हुए हैं और मैं कहता हूँ ओ, आप कहते हैं सर ये बता दें, मैंने कहा भाई वर यू इन क्लास, क्लास में थे कि नहीं भाई तुम। अब देखें जुमला एक ही है लेकिन उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं हमारे लहजे से और इस तरह कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। तो इन चीज़ों को भी हम फॉर्मल लैंग्वेजेस में इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई चीज़ इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है, अपने मैथमेटिकल मॉडल को या किसी भी कंप्यूटिंग मशीन को, तो उसके अंदर डिक्शंस एज एन इनपुट नहीं जा रहा होता है, ठीक है। हम बिल्कुल लो लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि हम सिमेंटिक्स और ये जो हैं डिक्शंस हैं ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, ये गलत होते हैं, हों, ठीक है, बस सेंटेक्स दुरुस्त होना चाहिए, वो जुमला फॉर्मली करेक्ट होना चाहिए, बस दैट इज़ ऑल वट वी नीड, ठीक है। इस पूरे लेक्चर को बच्चों एक दफ़ा दोबारा समझ लेना, एक दफ़ा दोबारा देख लेना। पहले लेक्चर के अंदर बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको दूसरी तीसरी दफ़ा देखना पड़ता है, फिर भी कुछ मुश्किल हो तो आई एम अवेलेबल, आप ग्रुप के ऊपर 24/7 जब भी मैसेज करें, कोई भी बच्चा इसका रिप्लाई कर सकता है। क्वेश्चन का रिप्लाई करना सिर्फ मेरा काम नहीं होगा, इसको एक डिस्कशन फोरम आप लोग बनाएं, ठीक है, और जब कोई इश्यूज होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हूँ, ठीक है। अगर कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा होगा तो मजबूरन जारी बात है मैं ही रिप्लाई करूँगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आप लोगों का कोई दूसरा ही पार्टनर आंसर कर रहा हो, ताकि एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो जाए और ये चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाए। आसान है इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह ताला को इतना बड़ा मसला होगा नहीं हमें इंशाल्लाह सेमेस्टर के अंदर अल्लाह के फजल से। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपनी सेहत का भी, वालदैन के अदब व एहतराम के साथ, और सेहत का भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं। और ये बात सिर्फ एक डायलॉग की हद तक नहीं, हकीकत की हद तक है कि जिन लोगों ने आज मुल्क की बाग दौड़ें संभाली हुई हैं, ये वही लोग थे जो कल आपकी तरह स्टूडेंट होंगे, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर पढ़ रहे होंगे, लेकिन थे ये भी कहीं स्टूडेंट थे, ठीक है, यानी ये भी आप ही की एज के थे। तो आइंदा आने वाले दिनों में जब ये लोग नहीं होंगे तो आप लोगों ही में से कोई होगा जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। तो आप लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे इस तरह के हालात में, पेंडेमिक के अंदर, तो मज़ीद एहतियात करें, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।